नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का मैं सीरीज चला रहा हूँ और आज यह मेरा 6वां लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 निर्गुण धारा अर्थात प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी शाखा के नाम से भी हम जानते हैं। तो सूफी जो कवि हैं उन्होंने बहुत सारे प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं जिसमें प्रेम का वर्णन हुआ है। और इसकी खासियत यह है कि ये जितने भी प्रेमाख्यान काव्य हैं प्रेम मार्गी शाखा के जो कवियों ने लिखे हैं वे उनकी नायिकाओं के नाम पर हैं। ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं और दोहा चौपाई शैली में लिखे गए हैं। इनका जो छंद है यह दोहा चौपाई है। और जो सूफी हैं, सूफियों में यह माना जाता है कि जो ईश्वर है उसकी कल्पना स्त्री के रूप में की गई है या फिर पत्नी के रूप में की गई है, और जो भक्त अथवा साधक है उसकी कल्पना प्रेमी या पति के रूप में की गई है। ठीक है, पति के रूप में साधक की कल्पना की गई है और पत्नी के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। और इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम ईश्वरी प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सूफियों का मानना है। तो आप समझ गए होंगे कि यह प्रेम मार्ग की शाखा क्या है, सूफी शाखा क्या है। तो इसके जो आज 3 प्रमुख कवि हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, कुतुबन, मंझन और मलिक मोहम्मद जायती, और बाकी कवियों का इसके बाद में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को 2 धाराओं में विभाजित किया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आते हैं, और निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा जिसे हम संत काव्य धारा कहते हैं, और प्रेमाश्रय शाखा जो प्रेम मार्गी शाखा है यह है जिसे हम सूफी शाखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। अर्थात जो सूफी कवि हैं उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया है और उसको अभिव्यक्ति प्रदान किया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की अभिव्यंजना की है। लौकिक प्रेम के माध्यम से सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने की अभिव्यंजना की गई है। कुतुबन नाम के जो पहले कवि हैं ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। परीक्षा में आजकल यह भी पूछा जाता है कि कौन से कवि किसके आश्रित थे, तो ये बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग अर्थात संवत 1550 था। इनके बारे में यह संक्षेप में जानकारी है। कुतुबन ने लिखी मृगावती जो नायिका के नाम पर लिखी गई है। जितने भी आप प्रेमाख्यान काव्य पाएंगे सूफी काव्यधारा के वे सभी नायिकाओं के नाम पर आपको मिलेंगे। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन 909 हिजरी संवत अर्थात संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसके नायक कौन है, गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सूफियों के द्वारा यह माना जाता है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे प्रेम के मार्ग में इश्क के रास्ते में जिस प्रकार बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उसी तरह साधक के द्वारा भी जब वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तब उसके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और बहुत सारा त्याग भी करना पड़ता है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यात्मक आध्यात्मिक आभास है। सूफियों की शैली की सबसे प्रमुख विशेषता रहस्यवाद है, अर्थात इस प्रकृति के कण कण में उस विराट सत्ता की चेतना को महसूस करना और उसे अभिव्यक्ति प्रदान करना है। अब दूसरे जो कवि हैं वे हैं मंझन। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। इनकी केवल एक ही रचना मिलती है मधुमालती, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदयता का पता लगता है। मतलब ये बहुत कोमल भावना के कवि थे और इनका हृदय प्रेम की भावना से पूरी तरह परिपूर्ण था। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपालियों और धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। मतलब 5 चौपाइयों का जो सीरीज होता है, जो क्रम होता है, उसको बोलते हैं अर्धाली। 5 चौपाइयों के बाद एक इसमें दोहा रखा गया है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, प्रेमाख्यान परंपरा के सभी कवियों ने दोहा और चौपाई शैली में और मसनवी शैली में अपनी रचनाएं लिखी हैं।
पर मृगावती की अपेक्षा इनकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। मतलब मृगावती की तुलना में इसमें जो वर्णन किया गया है प्रकृति का या फिर विभिन्न चीजों का, वह बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है और वह बहुत ज्यादा मर्म को छू लेने वाला है, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है, अर्थात इन्होंने बहुत ही कोमल भावनाओं का प्रयोग किया है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, तो इसकी कहानी कुछ जटिल और लंबी है। और आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए मैं बता चुका हूं कि सूफी कवि रहस्यवादी कवि थे, जिन्होंने प्रकृति के कण कण में उस विराट सत्ता की चेतना को महसूस किया और इसीलिए इन्होंने अपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही अच्छे से समावेश किया है मंझन ने। इनकी कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक रूप नायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत किया है। मैंने इसमें न केवल हीरो और हीरोइन रखा है बल्कि सब हीरोइन सब हीरोइन भी रखा है, उनके साथ ही मतलब सहनायक और सहनायिका या फिर उपनायक उपनायिका का भी इसमें व्यवस्था किया है और कथा को विस्तार प्रदान किया है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद, प्रेमा और ताराचंद नाम के दो कैरेक्टर थे इसमें, इनके चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया गया है। मतलब इन दोनों कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि लोगों के चरित्र में सहानुभूति होनी चाहिए, संयम होना चाहिए और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, यह इन्होंने दिखाया। तो इसमें इन्होंने प्रेरणा भी दी है, एक मैसेज देने का भी प्रयास किया है। जन्म जन्मांतर, प्रेमी प्रेमिका का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है और यौन अंतर मतलब डिफरेंट सेक्स के लोगों में अलग अलग, जैसे स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है उसकी अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया। मतलब यह जो प्रेम है यह अखंड है, अनित्य है, कभी नहीं समाप्त होने वाला है, शाश्वत है। तो इस प्रकार उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध दिखाकर प्रेम को अखंड दिखाया है, नित्य दिखाया है, व्यापक दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। ठीक है, उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचना हर व्यक्ति का लक्ष्य है। मतलब इस संसार में जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनका उस ईश्वर तक पहुंचना ही लक्ष्य होता है। तो किसके माध्यम से पहुंच सकता है? प्रेम के माध्यम से पहुंच सकता है, क्योंकि ये पूरा सारा संसार है वह एक दूसरे से किससे जुड़ा हुआ है? प्रेम के बंधन से जुड़ा हुआ है, प्रेम के धागे से बंधा हुआ है। इस प्रकार सूखियों के अनुसार इस संसार में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है, प्रेम सर्वव्यापक है और इस प्रेम के आधार पर ही हम उस अलौकिक सत्ता तक, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति को देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंझन करते हैं। तो जो ईश्वर है उसकी जो ज्योति है, उसका जो आलोक है, उसका जो दिव्य प्रकाश है, वह सर्वत्र व्याप्त है और इसी को सारे सूफी कवियों ने महसूस किया है और उसको अपने काव्य में उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है। जैसे उन्होंने लिखा है, देखत ही पहचाने तो ही ए ही रूप जही छिंदरियो मोही, ए ही रूप बुत अहे छपाना, ए ही रूप सब सृष्टि समाना। मतलब ये जो ईश्वर का जो रूप है वह सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर का विराट सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। ईश्वर की कल्पना सूफियों में क्या है, स्त्री के रूप में की गई है, पत्नी के रूप में की गई है और ईश्वर के साथ जो विरह की भावना है उसको सभी सूफी कवियों ने अभिव्यक्ति प्रदान की है, क्योंकि इस विरह की भावना के बिना उनकी साधना कभी पूरी नहीं हो सकती। इस विरह की भावना के बिना कोई भी साधक उस साधना के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, उसकी आंख नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगाह अपारा कोटि माही एक परेत अपारा, यह उनकी पंक्ति है। जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तो जिस प्रकार दर्पण में हमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस विरह वेदना के कारण जो साधक है, जो भक्त है, उसका हृदय एक दर्पण की तरह हो जाता है और उसमें परमात्मा के उसको पूरे संसार में क्या पूरा संसार उसके लिए क्या हो जाता है, उसका हृदय में विरह होता है और उसको पूरा सारा संसार एक दर्पण की तरह दिखाई देता है और जिसमें वह परमात्मा की छवि को देखता है। तो देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेमार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाया जाता है। इस प्रकार सूफियों का जो मुख्य मूल मंतव्य क्या है कि सूफी सृष्टि के सभी उपादानों में सभी उपकरणों में उस ईश्वर की विराट सत्ता का दर्शन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक उपादान उसके प्रति अपनी विरह भावना को की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और इस विरह भावना यह विरह भावना
सभी सूफी कवियों में पाया जाता है। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक समर्थ नहीं ज्ञात हो सका है कि उन्होंने मंझन ने कब अपनी रचना लिखी थी, पर यह निस्संदेह है कि यह रचना विक्रम संवत 1550 से 1595 के बीच लिखी गई है, जो कि पद्मावत का रचना काल है, और बहुत संभव है कि मृगावती के बहुत पीछे, मतलब मृगावती के बहुत बाद में इन्होंने अपनी रचना लिखी है। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया। तो जब जायसी ने पद्मावत की रचना की तो उन्होंने उनके पहले जो प्रेमा खान काव्य परंपरा में जो काव्य लिखे गए थे, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। किन ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया है? इन पद्यों में जायसी के पहले के चार काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। यह सभी पद्मावत से पहले लिखे जा चुके थे। यहां भी आप ध्यान दे रहे होंगे कि जितने भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, सूफी काव्य परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं, प्रायः नायिकाओं के नाम पर लिखे गए हैं, अवधि भाषा में लिखे गए हैं और दोहा चौपाई शैली में लिखे गए हैं और मसनवी शैली में लिखे गए हैं। तो ये प्रश्न प्राय इस प्रकार के प्रश्न आज कराते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यधारा की नहीं है, प्रेमारी शाखा की नहीं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी जो बातें हैं, जो चीजें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वह केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई बातें हैं, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो अभी नहीं मिले हैं। मृगावती और मधुमालती इनकी प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं और बाकी दो मुग्धावती और प्रेमावती नहीं मिली हैं। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। इसकी भाषा भले ही अवधी है, लेकिन जो लिपि है वह फारसी लिपि है। पद्मावत की लिपि फारसी लिपि है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। पद्मावत के पहले यह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ था मधुमालती, और जैन कवि हुए हैं बनारसीदास जी। इन्होंने अपने आत्मचरित में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है। मतलब हो सकता है जब वो युवा हो रहे होंगे, नौजवान रहे होंगे बनारसीदास जी, तो इन्हीं किताबों को अध्ययन में प्रायः करते थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है किशोरावस्था में, या फिर जो नौजवान हो रहे हैं टीनेजर्स, यदि वो गुनाहों का देवता पढ़ते हैं धर्मवीर भारती का, तो उनको एक अलग टाइप की फीलिंग होती है। और इतिहास की एक खास बात यह है कि आप अलग अलग उम्र में उसी किताब को पढ़ेंगे तो आप अलग अलग तरीके से उसकी संवेदना को महसूस करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो नजरिया बदलता है, चीजों को देखने समझने सोचने की हमारी क्षमता विकसित हो जाती है, तब हम उसी साहित्य को जिसको हम बचपन में पढ़ते थे उसको बाद में हम पढ़ते हैं तब हमारी संवेदना, कुछ बदली हुई संवेदना को हम महसूस कर पाते हैं। तो बनारसीदास जी ने क्या लिखा है, उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़, मतलब मार्केट में इधर उधर घूमने नहीं जाते थे, बल्कि घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था, ऐसा उन्होंने लिखा है बनारसीदास जैन जी ने। तब घर में बैठे रहे नाहिर हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, प्राय सभी परीक्षाओं में मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीबीएटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। इस किताब को आपको खरीद लेना है और एक बार आप सरसरी तौर पर पढ़िए, और दोबारा जब आप पढ़ते हैं तब आप टिक करते हुए, अंडरलाइन करते हुए इसको आपको पढ़ना है। जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके कहे हुए एक एक शब्द आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर समझे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किनके शिष्य थे। यह प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी, जिन्हें मोहिउद्दीन भी कहा जाता है, इनके ये शिष्य थे और ये जायस में रहते थे, इसलिए इनके नाम के साथ जायसी जुड़ा हुआ है। तो ये इनके गुरु हो गए सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। इनकी एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है आखिरी कलाम, और इसमें कयामत का वर्णन है, मतलब प्रलय का वर्णन है। यह भी परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि उनकी कौन सी किताब है या आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, तो कयामत का वर्णन है। कयामत मतलब हिंदी में होता है प्रलय, जैसा कि आपने जयशंकर प्रसाद जी की कमाली में भी देखा है। यह सन 936 हिजरी में, हिजरी से मतलब मुसलमान लोग प्रयोग करते होंगे, सन 1528 ईस्वी के लगभग लिखा गया था, और बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है।
उस समय जो भी समकालीन शासक हुआ करते थे उसे फारसी में कहा जाता था शाहे वक्त, मतलब तत्कालीन जो शासक थे उनकी प्रशंसा की जाती थी। तो इन्होंने आखिरी कलाम में उनकी प्रशंसा की है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो यह परंपरा रही है कि कवि अपने जो काव्य ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी दें, तो उन्होंने संभवतः जानकारी देने का प्रयास किया है। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है, सन 927 आहा कया आरंभ बयन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन अर्थात आरंभ बयन कवि ने 927 हिजरी अर्थात सन 1520 ईस्वी के शुरुआत में इन्होंने लिखना शुरू किया था, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। उस समय जो तत्कालीन शासक थे वे थे शेर शाह, तो उन्होंने शेर शाह की प्रशंसा उन्होंने अपने मसनवी की शैली में किया है, क्योंकि मसनवी शैली जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की शैली है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपे जस भानु, तो इस प्रकार उन्होंने उसकी तुलना की है। और जो पद्मावत है उसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन व सिंहलदेव की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ पर जो जो राजा रत्नसेन है, चित्तौड़ के जो राजा रत्नसेन है वे किसके प्रतीक हैं? जीवात्मा के प्रतीक हैं या साधक के प्रतीक हैं, और पद्मावती क्या है? परमात्मा के प्रतीक है। यहाँ पर इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि सूफी मत में परमात्मा की कल्पना स्त्री या पत्नी के रूप में की गई है, और जो भक्त या साधक होता है पुरुष होता है उसकी कल्पना पति के रूप में की गई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है। पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती है। भाषा इसकी अवधि जरूर है, लेकिन इसकी जो जो स्क्रिप्ट है जो लिपि है वह क्या है? फारसी है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह से लिखे जाते हैं। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। ये सारे फकीर थे, जितने भी सूफी फकीर माने जाते हैं। सूफ मतलब सफा होता है, शायद ये कुछ पहनने का कपड़ा रहा होगा, ऊनी कपड़ा, तो ऐसा माना जाता है इसको, ये पहनते थे। यार एक चबूतरे को भी सूफी या सफा ऐसा कुछ कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो उस पर हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सूफी किसको कहते हैं। अभी हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक ही हमको अपने आपको सीमित रखना है, क्योंकि बाद में इन सब चीजों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मैं सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है सिर्फ वही बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिद्ध थे, पहुंचे हुए फकीर थे, और अमेठी का जो राजघराना था उनमें इनका बहुत सम्मान था। ये काने और देखने में कुरूप थे। काने थे मतलब हो सकता है इनका एक आंख नहीं दिखाई देता रहा होगा, वे काने थे और देखने में कुरूप थे, सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं थे। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसा था। शेर शाह जो तत्कालीन शासक थे इनको देखकर उन्होंने हंस दिया। इस पर यह बोले, मोई का हंसे थी की कोहराई, मतलब मुझे क्या हंसते हो। मतलब इनका कहने का संक्षेप में उद्देश्य यह रहा होगा कि तुम मुझे क्या हंसते हो, मुझे बनाने, मतलब मुझे तुम नहीं हंस रहे हो बल्कि मुझे बनाने वाले के ऊपर तुम हंस रहे हो, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने बनाया है, तो इसमें हमारी हमारी कोई भूमिका नहीं होती कि हम दिखने में कैसे हैं। भगवान ने हमको जैसे बना के भेजा है हम वैसे हैं, चाहे सुंदर है या कुरूप है। यदि आप हम पर हंसते हैं मतलब हमारे बनाने वाले पर हंसते हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत है, जिसमें सिंहलदीप के जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन व सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। दूसरी है अखरावट। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर उन्होंने कुछ सिद्धांत जो जीवन और सृष्टि और ईश्वर के बारे में वर्णन किया है। तीसरी है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है, प्रलय का वर्णन किया है। अब अखरावट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक एक बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से मुझे सुने, क्योंकि ऑडियो और जो विजुअल इफेक्ट होता है किसी चीजों को आप सुन रहे हैं और दोबारा जब उसको पढ़ेंगे या फिर जो स्क्रीन पर देखकर पढ़ पा रहे हैं तब आपको बहुत लंबे समय तक यह याद रहता है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है, मतलब प्रत्येक अक्षर को लेकर एक चौपाई कही गई है जो जीवन और दर्शन से जुड़े हुए सिद्धांत पर आधारित है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। तो ये आप समझ गए, तो इसको आपको याद रखना है। आज का मेरा लेक्चर थोड़ा आपको पहले से अलग पैटर्न और अलग स्टाइल में लग रहा होगा, और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग इसे पसंद भी करेंगे। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम जो है ना, आखिरी कलाम जो इन्होंने किताब लिखी इसमें कयामत का वर्णन है। कयामत का मतलब होता है प्रलय, जिसका उल्लेख जयशंकर प्रसाद जी ने कमानी में भी किया है।
जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। अक्षय कीर्ति मतलब कभी न समाप्त होने वाली कीर्ति, कभी न समाप्त होने वाला यश। तो जायसी जी की जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार कौन सा है? पद्मावत, जिसे पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। मतलब पद्मावत को पढ़ने से हमको पता चलता है कि उनकी संवेदना और उनकी अनुभूति कितनी व्यापक थी, उनका हृदय कैसा कोमल था जिसमें प्रेम की पीड़ा सर्वत्र विद्यमान है। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। मतलब जो लोक पक्ष होता है, मतलब जो सांसारिक जीवन होता है, जो आम जनता का जो जीवन है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसका भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसमें अभिव्यक्ति प्रदान की है। और साथ ही जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो सूफियों की जो रहस्यवादिता है, जो रहस्यवाद है, उसकी भी गंभीरता और गूढ़ता और सरसता और विलक्षणता इसमें हमको दिखाई देती है। हमको उसको पढ़कर हमको उसकी सरलता और कोमलता का पता चलता है। यहाँ उन्होंने कबीरदास जी के बारे में एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उन्होंने कबीर और जायसी की यहाँ पर तुलना की है, और ऐसा माना जाता है, आलोचकों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रिय कवि थे वे तुलसीदास जी थे, या फिर तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के प्रति प्रेम के कारण वे कबीरदास जी के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो यहाँ पर उन्होंने कबीर और जायसी की तुलना करते हुए लिखा है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टर, ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने कबीर और जायसी की तुलना करते हुए यह कहा कि कबीरदास जी को समाज सुधारक माना जाता है। तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं में जो बाह्य आडंबर थे, जो कर्म कांड थे, उसके प्रति उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्हें डांट फटकार लगाई, जिसके कारण वह हिंदू और मुसलमानों में उतने लोकप्रिय नहीं हो सके, वे उनसे चिढ़ने लगे, ऐसा इनका मानना है। तो यह लोगों के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाए, उनकी कोमल भावनाओं को स्पर्श नहीं कर पाए। मनुष्य मनुष्य के बीच जो प्रेम पूर्ण संबंध है, जो भावात्मक संबंध है, जो एक दूसरे से लगाव है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने में कबीर दास जी असफल रहे। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुनः उन्होंने लिखा है, अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे ना हुई। समय समय पर मनुष्य के मन में जो कोमल भावनाएं आती है, जो बहुत ही वह इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, कोमल और सहृदय जो भावना है उसके अंदर आती है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने में कबीर दास जी पूरी तरह से असफल रहे, नहीं कर पाए, ऐसा उनका मानना है। जबकि कुतुबन और जायसी आदि इन प्रेम कहानियों कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि कुतुबन और जायसी इनका जो काव्य है, प्रेम कहानी का काव्य इन्होंने लिखा है, प्रेमाख्यानक काव्य इन्होंने लिखा है, प्रेम का शुद्ध मार्ग इन्होंने दिखाया है। और मनुष्य की जो सामान्य जीवन दशाएं होती हैं, आम जनता जिस प्रकार जीवन यापन करती है, उसका जीवन जिस प्रकार साधारण होता है, सामान्य होता है, और इन्होंने जो लिखा, इन्होंने उसका उल्लेख किया, सामान्य जीवन दशाओं का इन्होंने उल्लेख किया, और उसका सभी मनुष्यों पर एक समान प्रभाव पड़ा, जिसको आप कहते हैं साधारणीकरण। मतलब कवि ने जो भी लिखा, तत्कालीन परिस्थितियों के ध्यान में रखकर, लोगों की सामान्य जीवन दशाओं को देखकर, उनके परंपराओं को, उनकी रूढ़ियों को ध्यान में देखकर रखकर लिखा, और यह उनके हृदय को पूरी तरह से प्रभावित करने में ये सब सफल रहे। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं जायसी का नाम लेना पड़ेगा। यद्यपि मलिक मोहम्मद जायसी मुसलमान कवि थे, लेकिन उनके मन में सर्वत्र प्रेम की पीड़ा विद्यमान है, बहुत ही कोमल हृदय के कवि हैं, इसलिए उन्होंने जो कविता लिखी या फिर जो उन्होंने ग्रंथ लिखे वह हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत ही सहायक हुआ। तो हिंदू और मुसलमानों में जो अजनबीपन था, उनकी अपनी अपनी परंपराएं थी, अपनी अपनी रूढ़ियां थी, अपनी अपनी मान्यताएं थी, लेकिन जायसी के माध्यम से और हिंदू और मुसलमान दोनों परंपराएं एक दूसरे से के करीब आई, एक दूसरे के बीच में जो अजनबीपन था, एक दूसरे से जो अपरिचित थे, तो एक दूसरे से परिचित हुए और अजनबीपन दूर हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन की थी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की थी। यद्यपि मुसलमान थे, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उसके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ
अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। इन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के जन जीवन में व्याप्त जो कहानियां थी उन कहानियों को उन्होंने लिया, उनको अपने काव्य का विषय वस्तु बनाया और उन्हीं की बोली में अर्थात जो अवधि अवधि उस समय जो प्रचलित बोली थी उसी में उन्होंने अपने काव्य को लिखा और अपने उदार हृदय का पूरी तरह से परिचय दिया। यदि वो चाहते तो फारसी में भी लिख सकते थे, उर्दू फारसी में, लेकिन उन्होंने अवधि भाषा में लिखा, भले ही लिपि उनकी फारसी रही है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती है परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यद्यपि कबीर ने भी यह प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के करीब आए, लेकिन उन्होंने आम जनता के करीब लाने को करीब लाने का प्रयास नहीं किया हिंदू और मुसलमानों को, बल्कि उन्होंने राम और रहीम की एकता का प्रतिपादन किया, ईश्वर और खुदा की एकता का उन्होंने प्रतिपादन किया, राम और रहीम की एकता को उन्होंने प्रतिपादन किया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमान जनता को एक दूसरे के करीब लाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर जो वैक्यूम था, जो निर्वात था, जो खालीपन था, उसको भरने का प्रयास किया था मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने में पूरी तरह से सफल रहे। तो यह इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रवणता को प्राप्त मिलती है, यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यदि पद्मावत से पहले उनके बाद में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, पद्मावत से पहले भी बहुत सारे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन इसमें जो प्रौढ़ता है, जो मैच्योरिटी है, जो चरम स्थिति है, तो यह इस परंपरा में यह पद्मावत को ही यह सम्मान प्राप्त है। यह इस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या सूफी काव्य परंपरा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इसी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। तो इन्होंने जो पद्मावत लिखा है इसमें भी क्या है, इतिहास और कल्पना का योग है। आगे हम देखेंगे कितना इसका काल्पनिक हिस्सा है, कितना ऐतिहासिक हिस्सा है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, इन्हें पद्मावती भी कहा जाता है, का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। मर्म मतलब हृदय, तो ये गर्म मैंने लिख दिया, ये मर्म है वास्तव में। तो ये बहुत ही इमोशनल कहानी है इनकी, और पद्मावती जी का या पद्मिनी का हिंदू जनता में बहुत ज्यादा सम्मान है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका लिए, इन्होंने जो नायक लिए हैं चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और नायिका सिंहलदेव की राजकुमारी पद्मावती, तो यह इतिहास प्रसिद्ध है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। तो यद्यपि उन्होंने कैरेक्टर तो लिया है ऐतिहासिक, लेकिन जो कहानी का जो स्वरूप लिया है, तो उस समय जो जनता में जो प्रचलित कहानी थी, आम जनता के हृदय में जो कहानी विद्यमान थी, प्रचलित थी, जो उसको बोलते थे, सुनाते थे, उस कहानी को इन्होंने लिया और पात्र इन्होंने ऐतिहासिक लिया। तो इस रूप में हम कह सकते हैं, यह परीक्षा में प्राय पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इस कहानी का अथवा पद्मावत की कहानी का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब होता है फर्स्ट हाफ, तो बिल्कुल कल्पित है, और उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ, पूरी तरह से ऐतिहासिक है। तो इसका फर्स्ट हाफ तो काल्पनिक है और जो सेकंड हाफ है वह क्या है, पूरी तरह से ऐतिहासिक है। जैसे हम फिल्म में देखने आते हैं तो इंटरवल के पहले का हिस्सा और इंटरवल के बाद का हिस्सा, तो इंटरवल के पहले का हिस्सा इसका क्या है, पूर्वार्ध, काल्पनिक है, और जो सेकंड हाफ है इंटरवल के बाद का जो हिस्सा है वह क्या है, ऐतिहासिक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो प्रश्न है यह हमेशा आने वाला प्रश्न है। तो पद्मावत में जो भी बातें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सूफी काव्य, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की जो मैंने विशेषताएं आपको बताई है उसको भी आपको ध्यान में लिखना है, ध्यान में रखना है। प्रायः सभी सूफी कवि जो थे वो क्या थे, मुसलमान थे, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया, उन्होंने कड़वक शैली का प्रयोग किया, मसनवी शैली में उन्होंने लिखा है, और ईश्वर की कल्पना उन्होंने पत्नी या प्रेमिका के रूप में किया है, और जो साधक है उसकी कल्पना उन्होंने पति के रूप में किया या प्रेमी के रूप में किया है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है, मतलब प्रेम गाथा जितने भी प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं तो प्रेम गाथा की परंपरा में यह सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है पद्मावत। यह बहुत ही मैच्योर है और सरस है, पढ़ने में मजा आता है। प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। तो जैसा कि सूफी काव्य परंपरा या सूफियों की परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वह है इश्क मजाजी, मतलब लौकिक प्रेम, संसारिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी, ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना, लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना, इश्क मजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी को प्राप्त करना सूफी कवियों के प्रमुख विशेषता रही है।
और इस मार्ग में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारे कष्ट भी भोगने पड़ते हैं साधक को। तो इसी का उन्होंने जगह जगह वर्णन किया है पद्मावत में। और जब पद्मावत समाप्त हुआ तो इन्होंने अंत में क्या लिखा है, मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चरित्र हैं, वे किसी न किसी के प्रतीक हैं। इन्होंने अंत में लिखा है, यह परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तन चितुर मन राजा किन्हा, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाव दिस सुल्तानु। तो ये तन चितुर, तन और मन किसके प्रतीक है, राजा के हैं, है ना, मन राजा का प्रतीक है, और ही मतलब हृदय, सिंहल दीप है वह हृदय का प्रतीक है, पद्मिनी बुद्धि का प्रतीक है, और जो सुआ मतलब होता है तोता, तोता किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, क्योंकि बिना गुरु के तो संसार में कुछ मिल ही नहीं सकता। नागमती इस दुनिया का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है, और ये राघव है, राघव चेतन था, ये क्या है, शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन सुल्तान किसका है, माया का प्रतीक है। तो ये था इसमें एक प्रतीकात्मा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं हुई है। संस्कृत के जो प्रबंध काव्य थे, महाकाव्य थे, वे किसमें लिखे जाते थे, सर्गबद्ध, सर्ग मतलब आप प्रकरण या अध्याय कह सकते हैं, वैसे उस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कामायनी में सर्ग है वैसे ही, लेकिन इसमें सर्ग नहीं है। यह लिखा गया है फारसी की मसनवी शैली, फारसी की जो शैली होती है उसे कहते हैं मसनवी शैली, लेकिन इसके बावजूद भी श्रृंगार रस, वीर रस आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। मतलब भारतीय काव्य परंपरा के काव्य में जो श्रृंगार रस का वर्णन होता था, वीर रस का वर्णन होता, वैसा इसका इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन यह फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है और यह सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं लिखा गया है। तो भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार इसमें श्रृंगार रस और वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, उनको पर्याप्त अभिव्यक्ति इन्होंने प्रदान की है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत मार्ग, एकांत प्रेम मार्ग का ही आवाज देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का ही काफी विधान है। मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इन्होंने प्रेम के ही व्यापक स्वरूप का वर्णन किया है, प्रेम का ही चित्रण किया है। एकांत मतलब व्यक्तिगत रूप से जो प्रेम की जो भावना होती है किसी के प्रति, नायिका के प्रति, इसका उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है, मतलब उस समय जो जीवन शैली रही होगी, लोगों की परंपराएं, जो रूढ़ियां हैं, उन सब का उन्होंने सेकंड हाफ में वर्णन इन्होंने किया है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। मतलब पद्मिनी की जो खूबसूरती और सुंदरता का जो वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना, सौंदर्य की लोकोत्तर भावना मतलब जो ईश्वर का, ईश्वर की जो सुंदरता होती है, जो खूबसूरती होती है, जो इस लोक की नहीं होती है, जो दैवीय सुंदरता होती है, जो अलौकिक सुंदरता होती है, तो इन्होंने जो सुंदरता का वर्णन किया है बहुत ही ज्यादा मनोहर है, मनोहारी है, और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है पाठक को। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। तो कभी कभी जब पद्मिनी का रूप का वर्णन करते हैं, तो पद्मिनी के रूप का वर्णन करते करते वे उस अनंत सौंदर्य, ईश्वर के सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं, और उस ईश्वर की सुंदरता को देखकर उसके विरह में कौन व्याकुल है, यह पूरी सृष्टि व्याकुल है जो उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, इसके बड़े सुंदर संकेत उन्होंने दिया है। और अंत में उन्होंने क्या लिखा है, बरनी का बरना बनी साधे बान जानु दी यानी उन बानन अचको जो मारा बेदिरा सगरा संतारा। तो ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं, पद्मावत से ली गई हैं, और परीक्षा में इसको पूछा जाता है कि किनकी पंक्तियां और कहाँ से ली गई हैं। तो निश्चित रूप से मेरा आज का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और आपको थोड़ा मेरे पिछले जो लेक्चर से आज का लेक्चर थोड़ा चेंज लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही मेरा यह लेक्चर अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।